सिवनी मालवा तहसील में विगत दिवस बानापुरा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के द्वारा समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर किसानों की उपज खरीदी जा रही थी, जिसके चलते किसानों के द्वारा कृषि उपज मंडी में ही नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मंडी सचिव के द्वारा किसानों को समझाइश दी गई थी। गुरुवार को सिवनी मालवा कलेक्टर नीरज सिंह से समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर की जा रही खरीदी को लेकर चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि मंडी मार जगह पर हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं और जहां समस्या है उसको हम दिखवा लेंगे। समर्थन मूल्य पर मंडी में नियम यह है कि पहले जो मंडी इंस्पेक्टर द्वारा जो पहली बोली लगाई जाती है वो समर्थन मूल्य से शुरू होगी, उसके पश्चात जो समर्थन मूल्य है उस पर खरीदा जाएगा। अगर कोई डेयरी समर्थन मूल्य से नीचे की है तो वो किसान की सहमति से खरीदा जाएगा, यदि नॉन इफेक्टिव है तो उसका सैंपल भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि विगत दिवस कई किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी, साथ ही उपज का सैंपल भी नहीं लिया गया था, जिसके बाद किसानों के द्वारा इसकी मौखिक शिकायत मंडी सचिव राजेंद्र धनवारे से भी की गई थी। किसानों का कहना था कि हमारी उपज बिल्कुल अच्छी थी, परंतु उसके बाद भी व्यापारियों के द्वारा समर्थन मूल्य से कम पर उपज क्रय की गई है एवं किसी तरह का कोई सैंपल उपज का नहीं लिया गया है। देखिए, मंडियों में हर जगह पे हम लोग ने निर्देश जारी किए हैं और जो अगर यहाँ कोई स्पेसिफिक समस्या है तो उसको हम लोग दिखवा भी लेंगे। समर्थन मूल्य पे मंडी में खरीदी में नियम ये है कि जो है जो बोली है जब पहली बोली लगाई जाएगी मंडी इंस्पेक्टर द्वारा तो फिर वो जो है समर्थन मूल्य से शुरू होगी और उसके पश्चात जो जो समर्थन मूल्य है उससे ऊपर खरीदा जाना है वो खरीदा जाएगा। और अगर कोई स्टैक या कोई ढेरी जो है समर्थन मूल्य के नीचे जाती है तो फिर वो जो है किसान की सहमति से क्रैक किया जा सकता है, अगर वो नॉन एफिकेटिव स्टैंडर्ड की है उसका सैंपल रखा जाएगा।